दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हर्षन क्लासेस में। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए जीपी की क्लास, जिसको हम इंग्लिश में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं और हिंदी में गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इससे रीजनिंग के भी क्वेश्चन आपके पुटअप होते हैं। प्लस दूसरा मैं बता दूँ, इससे पहले मैंने एक नंबर सिस्टम में इसी का पार्ट कराया, जिसको हम AP बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे वहाँ से पढ़ सकते हैं, लेकिन उसे पढ़ना जरूरी है। तो इस क्लास को देखने के बाद आप उस क्लास को भी देख लें। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं गुणोत्तर श्रेणी होती क्या। देखिए जब हमने बात की थी समांतर श्रेणी की, मतलब AP के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, तो उसमें डिफरेंस सेम होता था, लेकिन इसमें डिफरेंस सेम नहीं होता। तो चाहे AP हो चाहे GP हो, हम दोनों को ही फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर पाते हैं, विदाउट फॉर्मूले ट्रिक से हम इनको नहीं कर सकते। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले इसमें होता क्या है। जैसे मेरे पास, मैं आपको एक सीरीज बनाता हूँ और उसी के अकॉर्डिंग आपको समझाता हुआ चलूँगा। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक सीरीज है 5, 10, 20, 40, ठीक है। आपसे पूछ लेता है इस सीरीज का 10th टर्म बताइए, ठीक है। या फिर अगर कोई सीरीज ऐसी होती, जैसे सीरीज होती 5, 10, 15, 20, 25, इसका 10th टर्म बताइए, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं थी। ये जो था इसमें डिफरेंस 5 का यहाँ, 5 का यहाँ, 5 का यहाँ, 5 का यहाँ, तो ये तो आता था आपका समांतर श्रेणी में। लेकिन यहाँ डिफरेंस पहले 5 का है, फिर 10 का है, फिर 20 का है, तो अलग अलग डिफरेंस है। तो जब अलग अलग डिफरेंस की बात होगी तो आप समझ लेना कि हमारा GP है, ठीक है। देखिए अब थोड़ा सा ध्यान से इसको समझते हैं। सबसे पहले हम इसके फॉर्मूले की बात करेंगे, क्योंकि विदाउट फॉर्मूले हम इसको नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो टर्म कैसे पता करेंगे, ठीक है। टर्म कैसे पता करेंगे कि कौन सा टर्म क्या है, ठीक है। 10th टर्म क्या है, 15th टर्म क्या है, 20th टर्म क्या है, आप कोई सा भी निकाल सकते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है TN इक्वल AR पे पावर N माइनस का 1, ठीक है। ये तो होता है ओनली टर्म निकालना। प्लस दूसरा होता है कि टोटल ऑफ टर्म कैसे निकालेंगे, ठीक है। टोटल ऑफ टर्म कैसे निकालेंगे, ठीक है। ध्यान से समझते हैं, विदाउट फॉर्मूले आप उसको नहीं कर पाएंगे, वो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। किसी भी चैनल पे आप नहीं कर सकते, ट्रिक से किसी कोई टीचर नहीं करा सकते, क्योंकि ये ट्रिक से नहीं होने वाले हैं, ठीक है। देखिए यहाँ इसका फॉर्मूला होता है AR पे पावर N माइनस 1 यहाँ होता है, ठीक है, और अपॉन में होता है यहाँ R माइनस का 1। ये होता है टोटल ऑफ टर्म निकालना, ठीक है। दूसरा यहाँ पे ये चीज़ें क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगा, प्रॉपर तरीके से समझाऊँगी कि कौन सा क्या है इसमें। तो आगे देखते हैं, अगर आगे हम इसमें बात करें तो हमको क्या निकालना पड़ेगा इसमें, अब इनफाइनाइट टर्म। इनफाइनाइट टर्म का मतलब होता है कि कोई सीरीज दी हुई है और नहीं पता है उस सीरीज में, ध्यान समझना, कोई सीरीज दी हुई है उसके टर्म नहीं पता है और उसका आपको टोटल निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे हम टोटल ऑफ इनफाइनाइट टर्म, ठीक है, कि हमको टर्म नहीं पता और हमको उस सीरीज का टोटल निकालना है। टर्म नहीं दो, वो मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा किस प्रकार से आता है, लैंग्वेज में भी बताऊंगा, विदाउट लैंग्वेज का भी मैं बताऊंगा, और जो एग्जाम में पूछा गया है वो भी मैं बताऊंगा। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है S, ठीक है, और यहाँ है आपका A अपॉन 1 माइनस का R, ओनली ये फॉर्मूला किसका है आपका, टोटल ऑफ इनफाइनाइट टर्म। इनफाइनाइट टर्म मतलब हमें पता नहीं कितने टर्म है। अब देखिए सबसे ज़रूरी, यहाँ पर जो A है उसका मतलब है फर्स्ट टर्म, और यहाँ पर जो R है, R का मतलब है कॉमन रेशियो, ठीक है। क्या है कॉमन रेशियो, वो हम कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, A2 अपॉन A1 से, ठीक है। सेकंड टर्म है फर्स्ट टर्म का डिवाइड देगा। N है वो टर्म है, उसकी आपको ज़रूरत नहीं है, वो यहीं से पता चल जाएगा A और N का। R आपको मैंने बता दिया, ठीक है। ये टोटल टर्म के लिए हम लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपके फॉर्मूले हैं इस पूरे GP को करने के लिए। तो चलिए हम आगे थोड़ा सा देखते हैं, पहले देखते हैं क्वालिटी क्या आ रही है, अच्छी क्वालिटी आ रही है वीडियो की, तो ठीक है। अब देखिए आगे इसको समझते हैं। देखिए मैंने बताया था आपको कि आपको इसका 10th टर्म पता करना है, ठीक है।
तो आपको जो फॉर्मूला था वो ये पुट करना था, टर्म पता करना है। तो हम कैसे टर्म पता करेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ ए, ए कितना है आपका 5 × R। R कैसे निकालें, मैंने आपको अभी बताया था R कैसे निकालेंगे, A2 / A1। ये A1, A2, A3, मतलब ये नंबर जो हैं वो क्या हैं, सीरीज के A1, A2, A3 सीरीज के टर्म होते हैं, ठीक है। अब यहाँ सेकेंड टर्म जो है वो कितना है 10 और फर्स्ट टर्म कितना है 5, तो डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 2, तो R कितना आ गया 2, 2 पे पावर आपको N, N कितना है टर्म 10, 10 माइनस का 1, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 × 2 की पावर हो जाएगा 9, ठीक है, 2 की पावर 9 हो गया। आपको पता है कि 2 की पावर जो 9 होता है वो होता है 512, 512, ठीक है। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2560, ये आपका आ जाएगा आंसर, कि आपका जो 10वां टर्म होगा वो होगा 2560 होगा, ठीक है, ये हो गया। अब अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लेता कि टोटल ऑफ टर्म बताइए, 10 टर्म का टोटल बताइए, तो आप इसको कैसे फाइंड करते, फिर आप ओनली इसको यहाँ इस फॉर्मूले में पुट कर देते, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे पुट करना है। फिर आपको एक लेवल का क्वेश्चन मैं कराऊंगा जो कि काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको समझना भी काफ़ी ज़रूरी है। देखिए यहाँ जब हम बात करेंगे ए, तो आपको पता था ए 5 है, ठीक है, यहाँ से आर, आर कितना था आपका 2, 2 पे पावर यहाँ कितना है 10 माइनस 1 अपॉन, ठीक है, आर कितना है आपका 2 माइनस 1, ठीक है, ये हो जाएगा आपका यहाँ 5, 2 पे पावर 10 होता है 1024 माइनस का 1 यहाँ से, ठीक है, और 2 में से 1 गया तो यहाँ 1, और ये आ जाएगा 5 × 1023। अब आप इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको टोटल ऑफ टर्म आ जाएगा कि 10 टर्म का जो टोटल था वो कितना था, ठीक है। आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं जीपी सीरीज का टर्म और टोटल टर्म आप निकाल सकते हैं। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन, मैं आपको बताता हूँ आगे, थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है, इसको हम रफ नहीं करेंगे, हम केवल इसको रफ करेंगे, क्योंकि ये कॉमन रेशियो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छी सीरीज बता रहा हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे एक सीरीज ले, थोड़ा सा ध्यान से समझिए, मैंने लिया यहाँ पे एक सीरीज 9, फिर 99, फिर 999, ऐसे ही कर करके मैंने कहा कि आप इसका 100वां टर्म बताइए, कौन सा टर्म बताइए, 100 वाला टर्म आप इसका बताइए, ठीक है। या फिर मैं आपसे, देखिए आप 100 वाला टर्म, इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, इसमें जो पूछा गया था वो क्वेश्चन ये था कि टोटल ऑफ 100 टर्म का टोटल बताइए, तो मैं आपको वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो एग्जाम में पूछा गया था, टोटल टर्म का टोटल 100 टर्म का टोटल आपको पूछा था, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं, देखिए यहाँ पर सीरीज को अगर देखें तो बड़ी कन्फ्यूजन आ जाएगी, ये सीरीज कैसे बनी हुई है, ठीक है, इस सीरीज को काफ़ी समझना ज़रूरी है कैसे। देखिए यहाँ से 555, 222, 333, 888, 999, 666 कैसी भी सीरीज आ जाए, और एक्सपेक्टेड होती है ये सीरीज जो आपसे पूछी जा सकती है। तो चलिए समझते हैं इसको, देखिए आपको मैं थोड़ा सा समझा दूं कि अगर मैं इसको 10 को यहाँ माइनस 1 लिखूं, ठीक है, 99 को 100 माइनस 1 लिखूं, और 999 को 1000 माइनस 1 लिखूं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हमें दिख रहा है कि सीरीज बन रही है। सीरीज कैसी बन रही है देखिए ध्यान से, इसमें दो सीरीज बन रही है, सीरीज 1 10^1, 10^ यहाँ 2, 10^ यहाँ 3, ऐसे ये सीरीज बन जाएगी 100 तक, ठीक है। यहाँ देखें तो -1, -1, -1 और -1 की सीरीज यहाँ बन रही है 100 तक, ये भी क्या 100 तक, ठीक। अब हम इस सीरीज को आसानी से फाइंड कर सकते हैं, इस सीरीज को भी आसानी से फाइंड कर सकते हैं, और दोनों को मिक्सअप कर सकते हैं, और इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। तो जब हम टोटल इसका निकालेंगे तो आपको पता है कि -100 का जो टोटल होगा तो -100 ही होगा, इसमें फॉर्मूला लगाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं। जो सिंपल चीज़ें हैं, अगर मैं कहूँ -2, -2, -2, -2 100 तक है तो आपको पता है 200 होगा, सिंपल सी बात है, तो -1 × 100, तो इसका तो टोटल आ गया -100, ठीक है। बात आती है इसके टोटल की, और जब इसके टोटल की बात आती तो आपको पता है कि यहाँ से अगर हम फाइंड करें अपना आर, आर फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे हम 10² / 10 का डिवाइड करेंगे तो आपका 10 आ जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। 100 में 10 का डिवाइड, तो सिंपल सी बात है 10 ही आएगा।
यहाँ से r आ गया, आप फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं, यहाँ 10 पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ आपको पता है r, r कितना आया है आपका 10, ठीक है। n, n कितना 100, माइनस कितना 1, ठीक है। यहाँ ओनली फॉर्मूले में आपको पुट करना है अपॉन 10 माइनस का 1, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं, कन्फ्यूजन वाली बात है, इसका आंसर भी थोड़ा टेढ़ा ही आया था, तो ऐसा नहीं है इसका सिंप्लीफिकेशन करके कोई आंसर आ जाए 25, 2000, 6000, 8000, बहुत ही पावर में ही आंसर आएगा। आपको पता है कि 10 की पावर को ऐसे आप कवर्ड नहीं कर पाओगे, तो आप क्या कर सकते हो, इसका मल्टीपल इसमें कर सकते हो कि 10 की पावर 101, ठीक है। 10 का मल्टीपल इसमें करेंगे तो माइनस का 10 अपॉन ये हो जाएगा 9, ठीक है। माइनस 100 इसमें ऐड हो जाएगा क्योंकि पूरा का हमें मिक्सअप करना था, तो माइनस का 100 हो जाएगा। अब आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप नहीं सॉल्व भी कर दीजिए, यहीं मत छोड़िए, काफ़ी अच्छा नहीं लगेगा थोड़ा सा। देखिए ये 100 पे पावर 101 माइनस 10, और यहाँ से 1 का 9 में जाएगा तो ये हो जाएगा 900, ठीक है। अब इसको आप लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 10 पे पावर 101, दिख रहा है, ठीक है, माइनस का 910 अपॉन 9, ये इसका क्या था आंसर था। आप ऐसे टोटल ऑफ सीरीज निकाल सकते हैं कैसे हमको करना है। अब देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कि आपको लैंग्वेज में कैसे करना था, ठीक है। लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको कैसे वो लैंग्वेज में सॉल्व करना है, तो मैं आपको एक लैंग्वेज का क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ, आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में। क्वेश्चन है, चित्र सीढ़ी का 7वां पद उसके 4थे पद के 8 गुना के बराबर है, तो उसका प्रथम पद क्या होगा यदि उसका 5वां पद 48 है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहली बात इसने कही है कि गुणोत्तर श्रेणी का 7वां पद उसके 4थे पद के 8 गुना है। मैंने आपको एपी में बताया था कि अगर पद लिखना हो, पद लिखने की बात मैं बता रहा हूँ, अगर आपको 6वां पद लिखना हो, एपी की बात नहीं, सीधा जीपी में 6वां पद लिखना हो तो आप लिखेंगे ए आर पे पावर 5, ध्यान रखें। अगर आपको 8वां पद लिखना है तो ए आर पे पावर 7, ठीक है। एक पद कम हमको लिखना होगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ, फिर आपको प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन समझाता हूँ। देखिए उसने कहा है 7वां पद कौन सा पद, ध्यान से समझते हैं, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा। 7वां पद, ठीक है, ये मैंने इसलिए लिखा हुआ रहने दिया है कि आपको आगे इसकी जरूरत पड़ने वाली है इस वजह से, ठीक है। 7वां पद, ठीक है, 7वां पद जो है वो है किसके 4थे पद के 8 गुना के बराबर, तो 4थे पद के 8 गुना के बराबर, ठीक है, 4थे पद के 8 गुना के बराबर कौन सा 7वां पद है, ठीक है। और जो 5वां जो पद है, यहाँ से देखिए ध्यान से थोड़ा सा, 5वां जो पद है, तो 5वां जो पद है, मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिए, 5वां जो पद है वो आपका कितना है 40, ठीक है, ये आपको बताना। अब आपको फर्स्ट टर्म इसका बताना, आप इसका आर भी बता सकते हैं, कॉमन रेशियो फर्स्ट टर्म भी बता सकते हैं, दोनों में आपको बताऊँ। देखिए 7वां पद, मैंने आपको बताया था 7वां पद लिखे थे ए आर पे पावर 6, एक कम करके लिखेंगे 8 इंटू, यहाँ लिखेंगे ए आर पे पावर 3, मैंने आपको अभी बताया था, जस्ट बताया था कि आपको कैसे लिखना है। देखिए ये जो है वो नीचे आ जाएगा ए आर पे पावर 6, और ये आ जाएगा ए आर पे पावर 3, और यहाँ 8 रह जाएगा, यहाँ से ए क्रॉस होगा, 3R से 3R क्रॉस हुआ तो आर क्यू इक्वल आ जाएगा यहाँ 8, ठीक है। यहाँ से जब हम R फाइंड करेंगे तो आपको पता है यहाँ Q में 8 आएगा, तो 8 किसका क्यू है 2 का, तो R इक्वल आ गया 2। अब आपसे अगर इस क्वेश्चन में पूछता कि वह कि R कितना है तो आप बता सकते थे आसानी से 2 है, लेकिन आपसे पूछा है 1 कितना है, तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं कैसे, क्योंकि उसने 5वां पद क्यों दिया, इसी वजह से दिया, रीजन है उसका, ठीक है। देखिए 5वां पद का मतलब था ए आर पे पावर 4, मैंने आपको अभी बताया था 5 है तो 1 कम देंगे पावर में, ठीक है, 48। आर कितना था यहाँ पे 2 था, कितना था 2, 2 पे पावर कितना हो जाएगा 4 इक्वल 48। आपको ए फाइंड करना है तो 2 पे पावर 4 का मतलब होता है 16 इक्वल 48, 16 से ये 4 टाइम क्रॉस होगा तो नहीं सॉरी 3 टाइम क्रॉस होगा, ए इक्वल आ जाएगा 3, तो ए इक्वल कितना आ गया 3। ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, ऑप्शन नंबर ए 6,
ऑप्शन नंबर बी 3, तो आपका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, आप ऐसे इसको कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और समझते हैं, लैंग्वेज वाला जो काफ़ी लेंथी है और काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसको समझने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इनफाइनाइट सीरीज बता देता हूँ, क्योंकि वो रिलेटेड रखता है आपका इनफाइनाइट सीरीज से। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं थोड़ा इनफाइनाइट सीरीज। क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है 16, 8, 4 इनफाइनाइट तक है, ये इनफाइनाइट लगाया हुआ है मैंने यहाँ पे। ठीक है, टी इसमें स्मॉल बनता है तो मैं टी आपको स्मॉल ही बना देता हूँ। तो इनफाइनाइट तक आपको टोटल बताना है, तो मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था टोटल ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन मैं इसमें बताने वाला हूँ अभी आपको। देखिए इनफाइनाइट सीरीज का मतलब क्या है कि आपको पता नहीं इसमें टर्म कितने हैं, लेकिन आपसे उसका टोटल पूछा गया है। अब टोटल पूछा गया, टर्म नहीं पता है तो क्या होता है इस सीरीज में इनफाइनाइट में। यहाँ थोड़ा सा बार साउंड आता है, उस पर आप गौर ना करें। देखिए इनफाइनाइट का मतलब होता है कि वो सीरीज कब जाके लास्ट होगी, कब जाके ख़त्म हो रही है, वहाँ तक का आपको टोटल बताना। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ से हम, मैंने आपको बताया था यहाँ से हम आर कैसे फाइंड करेंगे, आपको पता है सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म का डिवाइड, सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म का डिवाइड, तो 1/2 तो आपका आर आ गया। ठीक है, फिर आपको यहाँ फॉर्मूले में पुट करना था। ठीक है, ए 1 - r। ठीक है, आपको पता है ए कितना है आपका 16 है, और यहाँ आपको पता है 1 - r कितना है आपका 1/2 है। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अब 16 1/2 का इसमें मल्टीपल होगा, ये हो जाएगा 32। तो टोटल हो जाएगा इस इनफाइनाइट सीरीज का 32। आप कोई भी सीरीज इसमें ले सकते हैं, कोई भी सीरीज आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। और विशेषकर आप याद रखें, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी के लिए एपी जीपी और एचपी बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस बात को आप याद रखें, इसी के अकॉर्डिंग आप इसको समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। और अगर आप बात कर रेलवे की, तो रेलवे में ये सीरीज पूछी जा चुकी हैं, लेकिन बहुत ही लो लेवल की आपसे सीरीज पूछता है, एपी जीपी तक वो नहीं जाते, एपी तो आपसे पूछता ही पूछता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं इसी सीरीज का। मैंने एक सीरीज का ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें केवल आपको टोटल नहीं बताना है सीरीज, इसका आंसर फाइंड करना है। लेकिन होगा ये आपका जीपी सीरीज के, इनफाइनाइट सीरीज के अकॉर्डिंग ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि ऊपर जो सीरीज दी है पावर वाली सीरीज, वो इनफाइनाइट दी है। ठीक है, तो हम यहाँ देखें तो पावर जो सीरीज है, पावर वाली जो सीरीज है, ध्यान से समझना इसको, पावर वाली जो सीरीज है। देखिए आप अगर वीडियो देखते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दिया करें, और आपको और मैथ पढ़ना है तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर दिया करें। तो ये 2-3 बातें आप थोड़ा सा याद रखें, अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए यहाँ या जो सीरीज दी हुई है 1/3, 1/9 + 1/27, ये जो सीरीज है इसमें ए आपको पता है। आपको सबसे पहले जो फाइंड करना था वो आपको आर फाइंड करना था, और जब आपको पता है आर फाइंड करेंगे तो 1/9 में हम 1/3 का डिवाइड देंगे। ठीक है, तो 1/3 का जब हम डिवाइड देंगे तो ये 1/3 आएगा आपका। ठीक है, ये आ जाएगा। अब आपको फॉर्मूले में पुट करना था। ठीक है, यहाँ देखिए ए जो है वो आपका 1/3 है अपॉन 1 - ठीक है, यहाँ थोड़ा सा याद ध्यान रखें, 1 - ये कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करें तो 1/3 और ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, यहाँ से मल्टीपल ऊपर जाएगा, यहाँ से मल्टीपल ये नीचे आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2, या फिर यहाँ से आप इसको क्रॉस कर सकते हैं, 1/2 आपका आ जाएगा। लेकिन ये जो 1/2 है वो पावर की सीरीज का आया, इसका नहीं है, तो हम अब इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो हमको पता था यहाँ पे 2 पावर ये सीरीज दी हुई थी, 1/3 + 1/9 + 1/27 ये दिया हुआ था। ठीक है, और आपको पता है इस सीरीज का जो टोटल आया है वो कितना आया है, 1/2। ठीक है, 1/2 आया है। और आपको पता है कि 25 की जो पावर हो, 25 जो होता है वो 5 का स्क्वायर होता है, क्योंकि स्क्वायर में ही यहाँ 2 में ही पावर है, तो आप इसको 2 में ही सॉल्व कर सकते हो, ये 2 में ही सॉल्व होगा क्योंकि 25 5 का स्क्वायर है, तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इनटू 1/2, 2 से 2 क्रॉस हो जाएगा और आपका जो आंसर है वो 5 आ जाएगा। तो ऐसी अगर सीरीज आपसे पूछता है तो आप ऐसे इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, लाइक कर दीजिए हमारी वीडियो को, और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। एक क्वेश्चन और बहुत ही बेहतरीन देखते हैं, जो कि काफ़ी आपसे पूछा जाता है, और ज़्यादातर जो हमसे लोग हैं, जो हमसे जुड़े हुए होते हैं, जो हमको जानते हैं,
अक्सर करके वो ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछते हैं जिसमें हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है कि आप इतना पढ़ रहे हो, बताइए मेरे एक सवाल का आंसर दीजिए। ठीक है, तो ऐसा एक क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि आपके जीपी सीरीज से रिलेटेड है। ठीक है, देखिए समझते हैं, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, सिंपल है। देखिए, एक गेंद 540 मीटर की ऊंचाई से नीचे धरती पर फेंकी जाती है। गेंद प्रत्येक बार अपनी उछाल का 2/3 गुना उछलती है। गेंद रुकने तक वह कितनी दूरी तय करे। अब ये जीपी में क्यों आता है, जीपी के इन्फाइनिट सीरीज में क्यों आता है, क्योंकि गेंद कब तक रुकेगी हमें नहीं पता, लेकिन कितनी दूरी तय कर लेगी वो रुकने में, ये हम निकाल सकते हैं जीपी सीरीज के अकॉर्डिंग। कितनी बार टप्पा खाएगी वो हम नहीं फाइंड कर सकते, वो भी हम फाइंड कर लेंगे, लेकिन उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हमें जाना पड़ेगा डीपली, आपको उसकी ज़रूरत नहीं हो ना ही आपसे पूछेगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा हम आप थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। ठीक है, यहाँ मैं आपको प्रॉपर तरीके से लिख के समझाता हूँ, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। बात कर रहे हैं हम ऊंचाई की, ऊंचाई की जब हम बात करें तो 540 मीटर हमें दिया हुआ है। ठीक है, और उछाल जो है उसकी वो 2/3 दी हुई, ठीक है, 2/3 है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाऊँ। ये आप सपोज कीजिए, आप ये ज़मीन है, ठीक है, यहाँ से सबसे पहले 540 मीटर की ऊंचाई से बॉल फेंकी गई, ठीक है, 540 से फेंकी, ठीक है, 540 से फेंकने के बाद क्या हुआ, यहाँ से जब वो उछलेगी, उछाल कितनी हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी 540 का। तो जब हम 540 का 2/3 हम फाइंड करेंगे तो यहाँ से जब इसको काटेंगे तो हो जाएगा 3 × 3 = 24 हो जाएगा 360। तो 360 से ऊपर जाएगी और फिर जब वापस आएगी फिर 360 से वापस आएगी। भाई 360 से जब ऊपर गई तो इतनी ही नीचे दूरी तय, भाई इतने ऊपर दूरी तय की है तो नीचे गिरेगी तो उतनी दूरी तय करेगी। लेकिन एक बात हमेशा आप याद रखें, जब बॉल नीचे टप्पा खाएगी तो दोबारा उतनी ऊंचाई से आई है उतनी ऊंचाई तक नहीं जाएगी, ये आप जानते हैं खुद। अगर आप प्रैक्टिस करके, अगर बॉल मैंने यहां से छोड़ा यहां तक तो उछलने के बाद वो लगभग यहां तक उछलेगी, ना कि वहां तक जहां से मैंने उसे छोड़ा था। लेकिन ऊपर दूरी उतनी तय नहीं करेगी, लेकिन ऊपर से आएगी तब उतनी ही दूरी, तो 360 ही नीचे यहाँ आई वो, ठीक है, यहाँ से फिर वो ऊपर गई उछाल ली तो 360 का फिर उसने क्या कर दिया, 2/3 कर दिया। तो ये हो जाएगा 3×3 = 6 और ये हो जाएगा 240, फिर उसकी उछाल कितनी होगी, 240 हो। आपकी ऐसे इस तरीके से 2/2/3 करके यहाँ पर आके लगभग वो रुक गई। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिला कि यहाँ से हमें एक सीरीज मिल गई। ध्यान से देखिए, यहाँ से हमें एक सीरीज मिल गई। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछ लेते हैं एज्ड लोग जो होते हैं। देखिए यहाँ फर्स्ट टर्म 540, सेकंड 360, फोर्थ फिर 360, फिर 240। अब ये टर्म हमको ऐसे फाइंड करना पड़ेगा कि एक सीरीज सा लगे। ठीक है, सीरीज सा नहीं लग रहा है, यहाँ 360 फिर 300 फिर 240, यहाँ गड़बड़ हो रही है, क्योंकि सीरीज जो जीपी होती है उसमें एक जैसा टर्म नहीं आता, ये आप याद रखें। ठीक है, फिर सीरीज का कोई मतलब ही नहीं बनता। यहाँ से देखिए आप इन दोनों को ऐड करें तो ये हो जाएगा आपका 900, ठीक है, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 600। ठीक है, तो ये ऐसे सीरीज आपकी बनती हुई जाएगी। ठीक है, दो टर्म से ही आपका निकल आएगा। ठीक है, तो अब आपका जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा स्क्रीन से हट गया होगा, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ सॉल्व करा देता हूँ। देखिए यहाँ से आपको आर फाइंड करना था, तो आपको पता है कि सेकंड टर्म में हम फर्स्ट टर्म का डिवाइड देंगे तो ये 2/3 आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। दूसरा, अब आप देखिए कि आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में पुट करना, क्वेश्चन हट गया होगा। देखिए यहाँ से ए जो था वो आपका 900 था बट्टे, यहाँ जो आपका फन है माइनस कितना है 2/3, तो ये हो जाएगा 900। इसको सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं 1/3 होगा, 3 का इसमें होगा तो ये 2700 मीटर ये दूरी तय कर चुकी होगी। आप ऐसे पता कर सकते कि वो जब तक बॉल नीचे रुकेगी ज़मीन पर तब तक वो 2700 मीटर की डिस्टेंस कंप्लीट कर चुकी होगी। तो ये मैंने आपको जीपी के सभी टर्म बता दिए हैं। अब मुझे बताइए आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।